हेलो एवरीवन, द टाइम इज 3 o'clock. 5 बजे तक कर्फ्यू लग जाएगा. हॉस्टल से जस्ट बाहर निकले हैं फूड खाना एंड नैपकिन्स के लिए. लेट्स सी क्या होता है. पूरी तरह माहौल पूरा शांत है. लोगों ने राइफल्स वगैरह रख रखी है. बट इट्स रियली डिफिकल्ट टू गो आउटसाइड राइट नाउ. हॉस्टल के डोर्स भी लॉक कर दिए इन लोगों ने ताकि फूड एंड खाने के लिए नहीं जा पाए. सो डिफिकल्ट सिचुएशन राइट नाउ. मैनेज करना इट्स नॉट पॉसिबल. बहुत गंदा पैंडमिक हो रहा है. आई डोंट नो वॉट इंडियन एम्बेसी इज डूइंग राइट नाउ. वी नीड टू बी सेफ. जो भी पेरेंट्स सोच रहे हैं कि हम लोग बाहर क्यों निकले हैं इस पैंडमिक में, हम भूखे पैसे भी मर सकते हैं. फॉर दोज पेरेंट्स आई नीड टू इन्फॉर्म दैट अगर इंडियन एम्बेसी इतनी फास्ट होती, हमारे हॉस्टल वाले इतने फास्ट होते, तो हमको फूड एंड वाटर के लिए शेल्टर्स के लिए नहीं जाना पड़ता. नो नीड टू वरी. जिस भी स्टोर्स के जा रहे हैं वहाँ पे पास में मेट्रो स्टेशन्स हैं जिसको इमरजेंसी के लिए यूज़ किया जा सकता है. मेट्रो स्टेशन पे भी काफ़ी यूक्रेनियंस हैं जो रह रहे हैं वहाँ पे. सो डोंट थिंक कि हम लोग बाहर घूम रहे हैं या कुछ कर रहे हैं. ऑलरेडी बहुत सन्नाटा है हो रखा है. हिम्मत करके मैं और आप सुरभि श्रीवास्तव हम लोग जोधपुर से ही हैं, बाहर निकले हैं ताकि हमको कुछ मिल सके, सर्वाइव कर सके, एटलीस्ट भूख से तो ना मरे. बाहर गाड़ियाँ यूँ की यूँ चल रही है, कोई ऐसा सन्नाटे वाला सीन नहीं लग रहा है. हॉस्टल कैंपस में हर बिल्डिंग्स पे सोल्जर्स खड़े हैं. दे आर विथ अस. इंडिया इज विथ अस. बट राइट नाउ आई डोंट नो व्हाई इंडियन एम्बेसी इज नॉट गिविंग गुड इनफ सपोर्ट. लेट्स सी ग्रोसरी स्टोर पे जाके देखते हैं व्हाट्स द सिचुएशन देयर. हाँ, बाहर जाने की कोशिश पूरी कर चुकी हूँ मैं. दो गेट्स ऑलरेडी लॉक्ड है. तीसरे गेट की उम्मीद है कि वो खुला हो, हम बाहर जा पाए एंड अपनी नेसेसिटी पूरी कर सकें. आई डोंट नो व्हाट विल बी द सिचुएशन नेक्स्ट, बट आई होप इट विल बी गुड. आज शाम तक हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कोई अच्छी न्यूज़ आए, हम लोग अपने पेरेंट्स से मिल पाए. मेरा ये पूरा मेरा यूनिवर्सिटी का कैंपस है. लाइक यू कैन सी और उस साइड में एक गेट खुला मिला मुझे. मैं वहीं से जाने की ट्राई कर रही हूँ बाहर कि मैं बाहर निकल पाऊँ और कुछ सामान लेके आ सकूँ. 5 बजे कर्फ्यू लग जाएगा. ये नोटिस हमको जस्ट अभी ही आया है कुछ टाइम पहले, जबकि नोटिस हमको पहले आना चाहिए था कि हम बाहर जाके सामान ले सकते हैं. होप सो कुछ चीज़ें ठीक हो. यू कैन सी देयर यूक्रेनियंस और सब लोग ऐसे ही. आई डोंट नो व्हाई इतना लाइटली लिया है. आप्तेगास पे भी, आप्तेगा मेडिकल शॉप्स यहाँ पे आप्तेगास, उन पे भी भीड़ भड़ाका है. लेट्स सी लोग माइग्रेट होते हुए दिख रहा है. आई डोंट नो व्हाट विल बी द नेक्स्ट. यू कैन सी द यूक्रेनियंस गोइंग. लेट्स सी एंड होप फॉर द बेस्ट. राइट नाउ वसल की इसका मेट्रो स्टेशन. मेट्रो के अंदर बैंक्स मिल जाए तो देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स कोई नहीं ले रहा है. इंडियन स्टूडेंट्स जिसके पास कैश नहीं है, नो पॉसिबिलिटी टू सर्वाइव. यू कैन सी राइट नाउ इतना सन्नाटा मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा. मेट्रो स्टेशन पे वो भी नॉट पॉसिबल. मतलब गो इनसाइड एंड सी व्हाट इज हैपनिंग. यहाँ
रात बैग मिल गया। मेट्रो के अंदर गई थी, इस हाथ से प्रिवाद मिल जाएगा कार्ड। गेस व्हाट, एक अच्छे से अंकल आंटी मिले जिनके पास कैश, सबने को बोला मैं प्रिवाद दे देती हूँ, आप कैश दे गिव मी 100 crowns एंड यूक्रेन दे। थैंक यू सो मच, इफ यू आर वॉचिंग दिस आई मीन इट, थैंक यू सो मच अगेन। यूक्रेनियंस आर रियली बेस्ट इन हेल्प।